दो दिन बाद भी पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को ढूंढने में नाकाम रही है। अमृतपाल के वकील ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, अमृतपाल सिंह को जान को खतरा बताया गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अमृतपाल सिंह आखिर कहां गया भागकर। अमृतपाल के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका तक लगा दी, जान को खतरा बताया गया अमृतपाल सिंह के। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने खेत खलिहान जंगल मैदान सब छान डाले, लेकिन वो ना घर में मिला और ना बाहर। पुलिस की माने तो कड़ी चौकसी और छावनी में बदले पूरे इलाके के बीच से वो फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। इस केस दे विच पूरे कानून दे दायरे दे विच रह के करेगी। हर एक नूं अपना लीगल राइट है, जो लीगल रेमेडीज कानून हर एक बंदे नूं दिंदा है, वो रेमेडीज हर बंदा अवेल कर सकता है। सो इस केस दे विच अजे तक जिहड़ा अमृतपाल है पुलिस नूं वांटेड है, अजे तक इस केस दे विच अरेस्ट नहीं होया, जिहदी भाल जा रही है। इस बीच अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अमृतपाल की तरफ से वकील इमाम सिंह खारा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अमृतपाल सिंह को हिरासत में रखा हुआ है और अमृतपाल सिंह की जान को खतरा भी बताया गया। हाईकोर्ट ने फिलहाल वारंट अफसर नियुक्त करने से इनकार किया है। इस बीच पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर कल सुनवाई होगी।